हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आप सभी के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेशन 4 को, जिसमें मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर वेलफेयर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट सपोर्ट्स द गोल ऑफ द ग्रुप एंड इम्प्रूव्स इट्स परफॉर्मेंस। ए फॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट, बी इनफॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट, सी फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट एंड डी डाइसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप के गोल्स और उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में सपोर्ट करता है? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास में 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरव्यूज टेंड टू बी द मोस्ट रिलायबल एंड वैलिड। इनमें से किस तरीके का इंटरव्यू सबसे ज़्यादा रिलायबल एंड वैलिड होता है? ए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, बी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सी स्ट्रेस इंटरव्यू एंड डी डेप्थ इंटरव्यू। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेंट ऑक्यूपायर हु प्रपोज टू स्टार्ट द फैक्ट्री शुड सबमिट द फॉर्म नंबर 2, बी फॉर्म नंबर 1A, सी फॉर्म नंबर 2A एंड डी फॉर्म नंबर 1। कोई भी एप्लीकेंट या ऑक्यूपायर जो कि फैक्ट्री स्टार्ट करने जा रहा है, उसको कौन सा फॉर्म सबमिट करना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर्म नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क दैट मैनेजर ऑफ एवरी फैक्ट्री शुड सेंड अ एनुअल रिपोर्ट इन विच फॉर्म टू द इंस्पेक्टोरेट ऑफ फैक्ट्री कंटेनिंग डिटेल्स लाइक नंबर्स ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, लीव विद वेजेस, सेफ्टी ऑफिसर्स, एम्बुलेंस रूम, कैंटीन, शेल्टर एंड एक्सीडेंट्स ऑन और बिफोर 31 जनवरी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है किसी फैक्ट्री के मैनेजर को 31 जनवरी से पहले एनुअल रिपोर्ट के रूप में कौन सा फॉर्म सबमिट करना होता है फैक्ट्री के इंस्पेक्टोरेट को, जिसमें डिटेल्स फिल की जाती हैं नंबर्स ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड की, लीव विद वेजेस, सेफ्टी ऑफिसर्स, एम्बुलेंस रूम, कैंटीन, शेल्टर एंड एक्सीडेंट्स की। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं, दैट इज़ फॉर्म नंबर 22, बी फॉर्म नंबर 25A, सी फॉर्म नंबर 25B एंड डी फॉर्म नंबर 21। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर्म नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल रिटर्न अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट शैल बी सबमिटेड टू इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री ऑन और बिफोर 31 दिसंबर, बी 30 अप्रैल, सी 31 मार्च एंड डी 31 जनवरी। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 31 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम कंसिस्ट ए अप्रेजल ऑफ प्रेजेंट मैनेजमेंट, बी एसेटनिंग डेवलपमेंट नीड्स, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नीदर ए नॉर बी। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डज नॉट जेनरेट द इंफॉर्मेशन रिलीवेंट टू ग्रीवेंसेस। ए क्वेश्चनायर, बी ग्राइप बॉक्स सिस्टम, सी ओपिनियन सर्वे एंड डी ओपन डोर पॉलिसी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रीवेंस को मैनेज करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड रिलीवेंट नहीं होता। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए क्वेश्चनायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवॉल्यूशनरी थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन प्रपोज्ड बाय ए वेव्स, बी हॉक्सी, सी कार्ल मार्क्स एंड डी गांधी। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजर्स यूज विच टूल टू मेजर द HR functions effectiveness and efficiency in producing employee behavior to company needs to achieve its strategic goals? A HR scorecard, B MBO, C performance appraisal system and D none of the above.
इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इनमें से किस टूल का यूज़ करता है ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस की इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को मेज़र करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, एचआर स्कोर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइम बेस्ड सिस्टम। ए हालसे प्लान, बी इमर्जन प्लान, सी स्कैनलॉन प्लान एंड डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी स्कैनलॉन प्लान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रीसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।